तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन लेके आए हैं अंडर 20,000 पाकिस्तानी रुपीज, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। ये 3 डिवाइसेज हम लेके आए हैं, बहुत ही क्लियर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो टाइम लग के बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तीन स्मार्टफोन मैंने इसमें शामिल किए हैं, तीनों ही बहुत अच्छे स्मार्टफोन होने वाले हैं 20,000 रुपये में। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेज है। पहले नंबर जो स्मार्टफोन हमने इसमें शामिल किया है वो नोकिया की तरफ से, नोकिया 3.4G, नाम तो सुना होगा पहले भी। इसकी प्राइस थी ना पाकिस्तानी मार्केट में, पहले इसकी प्राइस थी 23,000 रुपये 4% वाले वेरियंट की। तो अभी जो इसका प्राइस कट लगा है तो आपको 7,900 रुपये में मिल रहा है ऑनलाइन, तो आपको ये मिल जाएगा ग्राहक से। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी जो सी है ना 5 होल वाला डिस्प्ले को प्रोवाइड किया गया है। इस पर इसके अंदर 180 ग्राम वेट है, डुअल सिम इसके अंदर डाल सकते हैं, 3 ही कलर देखने को मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। प्रोसेसर इसका स्नैपड्रैगन का लगाया गया है 460 का, डेढ़ जोड़े यूज़ के लिए बेहतरीन चिपसेट 11 नैनोमीटर का फैब्रिक है, अच्छा चिपसेट है। डिस्प्ले IPS LCD देखने को मिल जाता है आपको, 6x39 इंच का डिस्प्ले साइज, 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, 260 देखने को मिल जाती है, 60Hz का रिफ्रेश रेट भी है, गोरिल्ला प्रोटेक्शन की सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलती। इस पर इसके अंदर आपको डेली यूज़ के लिए बेहतरीन चिपसेट है। मेमोरी इसके अंदर आपको 4GB रैम देखने को मिलेगी, 64GB वाला देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 4/128 वाला वेरियंट भी है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है 20,000 तक। बैक पर कैमरे की बात करें, 3.5 कैमरा लगाया गया है बैक पर, राउंड शेप में कैमरा है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक है। बैक का डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा मुझे, सेंटर में राउंड शेप का कैमरा दिया गया है, 30MP का मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का डेप्थ और 8MP की सेल्फी है, 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों कैमरे से। अगर बात कर लें 3.5 में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक इसके अंदर बहुत ही अच्छी बात है, अगर पबजी खेलते हैं, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हैं ना, उसके अंदर आपको 0 हार्डवेयर देखने को मिलता है और इसके अंदर 5 होल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस पैकेज के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है। वैसे तो 5 होल इस पैकेज के अंदर होना और 0 हार्डवेयर होना, जैरो तो वैसे आपको 30,000 रुपये के अंदर भी हार्डवेयर देखने को नहीं मिलता, सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको हार्डवेयर देखने को मिलता है। जैरो प्लेयर आप पबजी खेलते हैं तो आप ये आपकी बाई कर सकते हैं। 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 10W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। प्राइस इसकी आपको बता दी है, जहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ये स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है। दूसरे नंबर जो स्मार्टफोन हमने इसमें शामिल किया है वो है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्पार्क 7। जी हाँ, ये पहले ही पाकिस्तानी मार्केट में बहुत धूम मचा चुका है। इसके अंदर आपको हीलियस G70 का चिपसेट देखने को मिलता है, अंडोर 11 सिस्टम देखने को मिलता है, जो प्राइस है इसकी 20,000 रुपये और आपको 19,500 में देखने को मिल जाएगा। 9.5 mm थिकनेस पे ये बेस है, डुअल सिम इसका डाल सकते हैं, प्रोसेसर G70 का देखने को मिल जाएगा, IPS LCD वाला पैनल देखने को मिलता है, 6x52 इंच का डिस्प्ले साइज, 720p की रेजोल्यूशन और 275 ppi डेंसिटी, 60Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ देखने को मिल जाता है। मेमोरी की बात करें 4GB 64GB वाला वेरियंट है। अगर आप पबजी खेलना चाहते हैं अच्छी, तो ये गेमिंग लवर्स के लिए अच्छा है स्मार्टफोन होने वाला है। हीलियस G70 का प्रोसेसर है, वैसे तो नोकिया का भी अच्छा, डेली यूज़ के लिए नोकिया स्मार्टफोन बेहतरीन है। 4GB 64GB वाला वेरियंट है, मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं 1TB तक, 1000GB तक। डुअल कैमरा लगाया गया है बैक पर, 16MP और सिक्योरिटी जो है वो अंदर कैमरा में कोई एक ही कैमरा बेसिकली लगाया गया है, 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। अदर बात कर ले इसका सेंसर की, तो फेस आलो देखने को मिलेगा, फिंगर जो है बैक पर देखने को मिल जाएगा, 3.5 mAh जैक देखने को यहाँ मिल जाता है और 6,000 mAh की बैटरी है। इसका एक और हाईलाइट फीचर यह है कि 6,000 mAh की बैटरी दी गई है, 20,000 रुपये के अंदर आपको 18,500 के अंदर आपको 6,000 mAh की बैटरी, हीलियस G70 जैसे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तगड़ा प्रोसेसर, तो ये आपकी अच्छी ऑप्शन हो सकता है। लास्ट में जो हमने स्मार्टफोन इसमें शामिल किया वो Infinix Hot 11S का जो स्मार्टफोन है, ये पाकिस्तानी मार्केट में इसी ने प्राइस रखी है ना 25,000 रुपये थी पहले, तो अब ये आपको 9 जनवरी तक, अगर 9 जनवरी से मेरी या बाद में वीडियो देखनी है तो आप इसको बाय ना करें, शायद आपको ऑफलाइन मिल जाए 21,000 रुपये में मिल रहा है आप ऑनलाइन। तो आपका अगर आप 9 जनवरी से बाद में देख रहे हैं वीडियो मेरी, तो आप ऑफलाइन पता कर लें मार्केट के अंदर, आपको इस प्राइस के अंदर मिल जाएगा, 136 ग्राम वेट देखने को मिल जाएगा आपको इसके अंदर। अंडोर और 11 सिस्टम है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हीलियस G88 का लगाया गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। डिस्प्ले IPS LCD वाला मिल जाता है, 6x78 इंच का डिस्प्ले साइज, 1080p की रेजोल्यूशन, जो कि बहुत चीज़ है, फुल एच डी रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, 336 ppi डेंसिटी, 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 4GB 128GB वाला जो वेरिएंट है, 512GB तक मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं। बैक पर 3.5 कैमरा लगाया गया है, 50MP का मेन कैमरा, 2MP का
अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल गया। तीसरा लेंस जो है वो अननोन कैमरा लगाया गया। 8 मेगापिक्सल का कोई सेल्फी है, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें फिंगरप्रिंट की, तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। बैक पर चार उसके सॉफ्टवेयर है, लिपो चार्जिंग देखने को मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। मतलब कि ये स्मार्टफोन का बताऊँ आपको कौन सा स्मार्टफोन बेहतरीन है इनमें से। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए, तो आप इन्फिनिक्स की तरफ जाएँ, इन्फिनिक्स हॉट 11s की तरफ, जो कि बहुत ही स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि दो डेली डेली यूज़ के लिए बेहतरीन स्मार्टफोन लेना है आपने, तो आप नोकिया की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद जो है टेक्नो स्पार्क 7 आ जाता है, जिसके अंदर गेमिंग अच्छी और बैटरी अच्छी मिल जाती है। तो आपको वीडियो कैसे लगेगी, एक बार मैं बताइएगा। अब तक अल्लाह हाफिज़।